पांचवें चरण के चुनाव का प्रचार चरम पर है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी का चुनाव प्रचार करने पहुंचे। सचिन पायलट ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बचरावा विधानसभा के सेहंगू से की है। सेहंगू में वोटरों को साधते हुए सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार में संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, संविधान बचाने के लिए चुनाव हो रहा है, रायबरेली में एक तरफा है, जनता ने राहुल गांधी को जिताने का मन बना लिया है। बापुरी वोट पड़ते वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं होता, वोट तो पाकिस्तान में पड़ते हैं, रूस में पड़ते हैं, बांग्लादेश में पड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता कि इन मुल्कों के अंदर लोकतंत्र मजबूत है। लोकतंत्र देश में मजबूत है क्योंकि यहां जवाब मांग सकते हैं, जवाब तय कर सकते हैं, संस्थाएं मजबूत है, न्यायपालिका मजबूत है, अफसरशाही मजबूत है, मीडिया मजबूत है, निर्वाचन आयोग मजबूत है, इन सारी संस्थाओं को इनकी अगर विश्वसनीयता को हम खत्म कर देंगे, आस्था लोगों की खत्म हो जाएगी। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की बात क्यों होती है? सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सांसद, आप 10-20 और जोड़ लो, लेकिन 400 क्यों चाहिए? ये 400 की जो बात करते हैं किस लिए चाहिए? और बार बार प्रधानमंत्री को गृह मंत्री को खंडन करना पड़ता है कि हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपने कभी सुना मनमोहन सिंह जी को बोलते थे कि हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे? 400 सांसद राजीव गांधी जी के पास थे, कभी राजीव गांधी जी ने कहा कि हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे? ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसी क्या नौबत आ गई कि बड़े बड़े भाजपा के नेताओं का खंडन करना पड़ रहा है? आप लोगों के पास सुनहरा मौका है साथियों, हम सब लोग अलग अलग क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच में आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को पूरे देश में प्रचार करना है और आपके बीच में हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कार्यकर्तागण, कांग्रेस के हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग मिलकर एक इतिहास रचेंगे और पूरी ताकत लगा रखी है। केंद्र सरकार ये चुनाव भाजपा के सामने नहीं लड़ रहा है, ये केंद्र सरकार की पूरी ताकत लग रही है, पूरे संसाधन लग रहे हैं, पूरा पैसा लग रहा है। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं ये लोकसभा के चुनाव निर्णायक चुनाव है, इसलिए जाति बिरादरी धर्म से ऊपर उठकर हम लोगों को भविष्य की तरफ देखना है और जिन लोगों के लिए आप लोगों ने प्यार मान्य रखा है, जिन लोगों ने इस लाइब्रेरी के लिए कुर्बानियां दी है और आप लोगों की साख को मजबूत किया है पूरे देश की दुनिया में, उन लोगों को रिकॉर्ड मार्जिन से जीतना चाहिए। और राहुल गांधी जी जीत कर जाएंगे, लाखों लाख वोट से जीत कर जाएंगे, लेकिन आप लोगों की आहुति जरूरी है। 20 तारीख को बिना भूले हम सब हाथ का निशान हमारा तंजे का पुरानी पहचान है, बटन दबाकर भारी बहुमत से यहाँ से कांग्रेस पार्टी को राहुल जी को जिताकर भेजे ताकि संसद में आपके बात को बुलंद कर सके। फिर तो राजा चाहता हूँ साथियों, इस चुनाव में हार जीत की बात नहीं है, टिकट हमारे गठबंधन जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन रिकॉर्ड मतों से जीते और लाखों लाख वोट से राहुल जीत कर जाएंगे, तब जाके यहाँ पर दुनिया आज देख रही है, पूरे देश की नजर आज रायबरेली पर है कि कितने रिकॉर्ड मतों से जीत कर जाते हैं। लेकिन जो माहौल मुझे देखने को मिल रहा है, सभी जाति 36 क्रॉप के लोग सब लोग मिलकर राहुल जी के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है इस भीषण गर्मी में आप लोग आए हो, हमारी बातों को सुनने के लिए आए हो, मुझे पूरा विश्वास है कि सारी बातें भूलकर इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर 20 तारीख को भारी बहुमत से राहुल जी को जिताएं। आपने मुझे भी यहाँ बुलाकर मान सम्मान स्वागत किया और इस चुनाव प्रचार के माध्यम से मुझे आप सब लोगों के दर्शन करने का मौका मिला, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा सुखी रहो, भरो भूलो आगे बढ़ो, भगवान आपकी टोली में खूब सारी खुशियां डाले और आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। साहब रखने के लिए यहाँ से वो खड़े हो रहे हैं और मैं तो आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि आपने देखा पिछले 10 साल में जो सरकार दिल्ली में है वो भी जनता के वोटों से सरकार बनी है। इन 10 सालों में भाषण बहुत हुए, विज्ञापन बहुत छपे, इश्तेहार बहुत आए, लेकिन इन 10 सालों में जिन बातों को बोलकर सत्ता में आप आए थे, महंगाई कम करने का, बेरोजगारी कम करने का, कालाधन समाप्त करने का, भ्रष्टाचार समाप्त करने का, इन सब मापदंडों पे आप रिपोर्ट कार्ड तो मांग सकते हैं लोकतंत्र में,
आज 10 साल इस सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार रही और आज भी प्रधानमंत्री जी बीजेपी के नेता कांग्रेस को कोस रहे हैं, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, मनमोहन सिंह जी को। अरे 10 सालों में आपने क्या किया इसका जवाब दीजिएगा। इन 10 सालों में आपने नोटबंदी करी, आपने कहा कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, आपने वो नहीं किया। 3 काले कानून बनाए, एक ऐसा जीएसटी लेकर आए जिस सब लोग आज परेशान हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सरकार बनने के बाद आप निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो, आप 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दो, आप देश की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर आप प्रशिक्षण लगा दो। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में चुनाव हो रहा था महापौर का, वहां निर्वाचन अधिकारी बैठ के वोटों को खराब कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, फिर जाके वहां न्याय हुआ। जिन संस्थाओं का निर्माण करने में 70 साल देश ने लगा दिए, उन संस्थाओं को नीतिगत तरीके से आप कमजोर करना चाहते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, घमंड और अहंकार की सरकार को 10 साल होने के बावजूद भी ये 5 साल और मांग रहे हैं और बात कर रहे हैं 2047 की। और ये देश का जो नौजवान फौज में भर्ती होना चाहता है उसको नौकरी देने 4 साल की। अग्निवीर तो करेगा 4 साल नौकरी, आप 10 साल राज की है, 5 साल और मांग रहे हैं। हर वर्ग को, मध्यम वर्ग हो, नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, सब लोगों को सिर्फ आश्वासन दिए हैं। और आज लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई राहुल गांधी जी को, जैसे कमलेश्वर जी बोल रहे थे, संसद में पहुंच जाए इस बात की लड़ाई नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि इस देश में भीषण गर्मी में इस सभा में बैठे हैं। और आप भली बात ही जानते हैं कि देश में 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, 20 तारीख को आप लोगों को मतदान करना है और अपना सांसद चुनना है, देश में एक नई सरकार का निर्माण करना है। इसी पर साथियों, कांग्रेस पार्टी के रायबरेली लोकसभा के प्रत्याशी जिन्होंने जैसे अमेठी को धोखा दिया, जैसे वायनाड को धोखा दिया, वैसे रायबरेली के मतदाताओं को भी धोखा दे रहे हैं। एक गारंटी कार्ड गांव के भोले भाले मतदाताओं के बीच, इस तरह का गारंटी कार्ड कांग्रेस के बाहर से आए 2-3 हजार लोग गांव में जा रहे हैं और इस कार्ड पर मतदाताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर रहे हैं और अपने स्वयं कर रहे हैं। आचार संहिता में ये पूरी तरह से उल्लंघन है, नहीं कर सकते हैं। किसी को लोभ दे करके उसका वोट लेना आचार संहिता का उल्लंघन है। और इनके द्वारा कहा जाता है कि आप हमका वोट दो, मैं 1,00,000 रुपए चुनाव बाद आपको सरकार मेरी बनेगी तो आपके घर पहुंच जाएगा। सम्मानित साथियों, आप हमको बताओ, इस आचार संहिता के उल्लंघन में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने किसी मतदाता के हस्ताक्षर प्राप्त किए हैं, एक अनुबंध कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, तो ये किसी दशा में उचित नहीं। किसी के हस्ताक्षर प्राप्त करना और लोभ देकर के किसी के हस्ताक्षर प्राप्त करना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि ऐसे कृत्य जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं उसको रोका जाए और इनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई हो, मतदाताओं को लोभ देने की अथवा उनके हस्ताक्षर लेने पर जो भी संविधान प्रदत्त दंड हो वो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे कृत्यों से निसंदेह चुनाव प्रभावित होता है। और चुनाव मेहनत करके, परिश्रम करके, कैंपेन करके जो आदमी नहीं जीत रहा है वो इस तरह के फंडे अपना रहे हैं। निसंदेह मैं रायबरेली वासियों से अपील करता हूं, आप जानते हो देश में मोदी जी की सरकार है, आप जानते हो देश में मोदी जी की सरकार फिर बनने जा रही है, तो इस तरह के गारंटी, इनकी गारंटी का कोई मतलब है? जिसकी खुद गारंटी नहीं है
कि नामांकन करने के बाद एक दिन रायबरेली आए हैं, हो सकता है एक आध दिन और आए, लेकिन रायबरेली ना आना है, ना रायबरेली के लोगों से मिलना है, खुद का पता नहीं, खुद की गारंटी नहीं है कि वो